अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अफ़गानी पुलाव की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया ऑयल 1 कप, और इसके साथ ही मैंने शुगर ली है 2 टेबल स्पून। नमक यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही यहाँ पे मैंने लिए मेवे तकरीबन 1/2 कप, और साथ ही साथ इसके लिए बादाम जिनका मैंने बॉईल करके छील लिया था, ये भी लिए मैंने 1/2 कप, और लहसुन क्लॉव्स लिए हैं यहाँ पे मैंने 10 से 15। यहाँ पे लिए मैंने 3 गाजरें जिनकी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी। गाजरें की कटिंग मैंने लंबी और बारीक की थी ताकि फ्राई अच्छे तरीके से हो जाएँ। और चिकन यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 8 पीस, इनको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था, और इसके साथ ही मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के जिनको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, और चावल यहाँ पर मैंने लिए 1 किलो। अब सबसे पहले हम चावलों को नीम गर्म पानी में भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 चम्मच पानी में ऐड किया है चावल भी, मैंने नीम गर्म पानी लिया था। और अब हम अपनी यखनी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। पानी हमारा ऐड हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अब हम यखनी को पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब एक दूसरे पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल का, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मेवे, और मेवे हमने तब तक फ्राई करने हैं जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि मेवे फ्राई हो रहे हैं। मेवे हमने तब तक फ्राई करने हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और जब तक ये फूल ना जाए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। याद रखिए कि आपने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ डार्क ब्राउन करना है। अब हम मेवों को एक बॉल में निकाल लेंगे, और अब इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे गाजरें जो कि मैंने ब्रीक कट की थी, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बादाम। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये लीजिए हमारी गाजरें बादाम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकालेंगे, और हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। यखनी का पानी मैंने अलग कर लिया था और इसमें से चिकन अलग कर लिया था। अब हम इसी चिकन को उसी ऑयल में फ्राई करेंगे। और इसको तकरीबन आपने 10 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है, और ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब चिकन को भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, ये अफ़गानी पुलाव बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है। और अब हम उसी ऑयल में ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसकी पेस्ट ना बन जाए। और साथ ही मैंने ऐड कर दिए शुगर जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ली थी। अब इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और तब तक फ्राई करना है, तब तक इसको पकाना है जब तक कि इसका पेस्ट ना बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटरों का पेस्ट बन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी प्रिपेयर की हुई यखनी। आप चाहें तो अफ़गानी पुलाव मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे चिकन में बनाया है अफ़गानी पुलाव। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी प्रिपेयर की हुई यखनी। यखनी मैंने प्रिपेयर की है 1.5 लीटर, और चावल मैंने लिए हैं 1 किलो। और अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम ऐड करेंगे चावल। पहले मैं चावल का पानी निकाल लूँगी जिनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए भिगोया था। और अब हम चावल ऐड करेंगे यखनी में, और मज़ीद इसको पकाएंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
यहाँ पे मैंने चावल तकरीबन पकाने हैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्रिपेयर किया हुआ चिकन और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर और बादाम जो मैंने फ्राई की थी और एंड पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी किशमिश। ये अफ़गानी पुलाव बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसको बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं होते इसमें। आप मेरी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। हमारा अफ़गानी पुलाव तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी और आसान रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक और न्यू रेसिपी लेके आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।